नमस्कार दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में नहीं चले विराट कोहली। इस खिलाड़ी ने अकेले दम पर जिताया मैच। भारत को वनडे सीरीज में मिली 1-0 की बढ़त, तो क्या है पूरी हाइलाइट्स बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आप भी भारतीय टीम के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज ODI सीरीज का पहला वनडे मुकाबला खेला गया, जिसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया। दोस्तों, भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया 35.4 ओवर्स में 188 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल मार्स ने सर्वाधिक 81 रनों की पारी खेली। वहीं भारत की तरफ से मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज ने 3-3 विकेट चटकाए। दोस्तों, 189 रनों के छोटे से लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही और सिर्फ 5 रन के स्कोर पर भारत की पहली विकेट गिर गई। इसके बाद विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव दोनों 5वें ओवर की लगातार 2 गेंदों पर आउट हो गए और भारत का स्कोर 16 रन पर 3 विकेट हो गया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद KL राहुल और कप्तान हार्दिक पांड्या के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी हुई, लेकिन हार्दिक पांड्या भी 25 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद KL राहुल और रविंद्र जडेजा के बीच अजय साझेदारी हुई और 39.5 ओवर्स में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। KL राहुल ने सबसे ज्यादा नाबाद 75 रनों की पारी खेली, वहीं रविंद्र जडेजा ने भी नाबाद 45 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टार्क ने सर्वाधिक 3 विकेट चटकाए। दोस्तों, इस जीत के साथ ही भारत ने ODI सीरीज में 1-0 की महत्वपूर्ण बढ़त बना ली है। इसके बाद इस सीरीज में 2 और वनडे मुकाबले खेले जाने हैं। अब देखना यह होगा कि क्या भारत इस जीत के सिलसिले को जारी रख पाएगी। और दोस्तों, KL राहुल की आज मैच जिताऊ पारी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आप अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। दोस्तों, क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल क्रिक फादर को सब्सक्राइब कर लीजिए।